मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारवे। आपने बहुत से रेंजरों को देखा होगा, उन्हें ड्यूटी करते हुए देखा होगा और बहुत से रेंजरों के विदाई समारोह भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रेंजर का विदाई समारोह दिखाने जा रहे हैं और उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी विदाई में पूरा गांव रो पड़ा, यहां तक कि वो खुद भी रो पड़े। तो देखिए इस रेंजर की कहानी और उनके विदाई समारोह की कुछ चीजें। हम आपको जिस रेंजर के बारे में बताने जा रहे हैं वो पन्ना टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं और वो काफ़ी समय से पन्ना टाइगर रिजर्व में रेंजर है और गोमती रेंज के गांव वालों के बीच उनकी एक अलग ही पहचान है। गांव वाले उनका बहुत ही सम्मान करते हैं और ये भी कभी गांव वालों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। इनकी पत्नी भी गोमती में निःशुल्क सेवा शिक्षिका है और वो कई बच्चों को शिक्षा देती है और ये दोनों पति पत्नी मिलकर निःशुल्क UPSC की कोचिंग भी संचालित करती थी और इनकी इस कोचिंग की मदद से गांव के 18 से 19 बच्चों ने UPSC की तैयारी की और उनमें से एक छात्र का चयन IFS में और एक छात्र का चयन IRS के लिए हो गया है। ये इन दोनों की पढ़ाई का ही नतीजा है कि उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन हाल ही में गांव वालों में कुछ निराशा छा गई। दरअसल वक्त था रेंजर के गाँव से जाने का। जी हाँ, हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व के इस रेंजर का स्थानांतरण हुआ है और ये स्थानांतरण मंदसौर किया गया है और पूरे गांव वाले उनके जाने से खुश नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इन पति पत्नी से पढ़ते देखा है और उनकी मदद से गांव के बच्चों का एक अच्छी जगह पर चयन भी हो गया है और इन दोनों ने गाँव वालों के लिए कई अच्छे काम भी किए हैं। इनके विदाई समारोह में पूरा गाँव शामिल हुआ और बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें विदाई दी। गाँव वालों के साथ इनका रिश्ता देखने को ही बनता है। इनकी विदाई में इनकी आंखों में तो आंसू थे ही, लेकिन गाँव वालों की आंखों में भी आंसू थे और आखिरकार गाँव वालों ने पन्ना टाइगर रिजर्व के अपने रेंजर और उनकी पत्नी को ससम्मान विदाई दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाँव वाले इनके ऊपर पैसे न्यौछावर कर रहे हैं। एक के बाद एक कई महिलाएं आ रही हैं और इन पर पैसे न्यौछावर कर रही है। कोई इनके हाथ जोड़ रहा है तो कोई इन्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई गले लगकर इनके आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव इनकी विदाई के लिए उमड़ पड़ा हो और सभी को इनके जाने का दुख हो। किसी रेंजर का ऐसा विदाई समारोह पहले कभी देखने में नहीं आया है। इस रेंजर का विदाई समारोह गांव वालों ने कुछ ऐसे सम्मान के साथ किया कि रेंजर की आंखों में भी आंसू ला दिए। Channel and press the bell icon for more updates.